Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार खबरें चलती है और आए दिन तमाम चीजों को लेकर उनकी बातचीत होती है। इस कड़ी में मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगने वाला था, लेकिन कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल बात करें तो पूर्व विधायक और बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई मंगलवार को गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में, यूपी की गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हो सकी है। दरअसल गाजीपुर के वकील हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर हड़ताल पर थे। ऐसे में एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होने वाली है। बता दें कि 22 अगस्त को गैंगस्टर के इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला होना था, लेकिन एडीजीसी ने धारा 311 के तहत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मुख्तार के वकील लियाकत अली ने पत्रावली में गवाहों के बयान देने की संभावना व्यक्त की थी। इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका को 28 अगस्त को स्वीकार कर लिया था, लेकिन न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर मामले की सुनवाई 2 सितंबर की तारीख तय की गई, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी। कल यानी कि 5 सितंबर को फिर से सुनवाई की तारीख थी, लेकिन इस दिन भी वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई की अगली तारीख को अब बढ़ा दिया गया है और अब 12 सितंबर की अगली तारीख तय की गई है। अब जानते हैं कि जिस मामले में लगातार डेट एक्सटेंड हो रहा है, वो मामला एक्चुअली है क्या। दरअसल बात करें तो साल 2009 में गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और 2010 में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले की सुनवाई गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। तो एक बड़ा अपडेट था इस मामले को लेकर, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस मसले को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।